और चलिए सीधा रुख करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं। बताना चाहूँगा कि हमारी इस COVID-19 की लड़ाई में हम उतने ही सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना हमें कम्युनिटी में सबका सपोर्ट मिलेगा। इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का सपोर्ट ना मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसलिए मैं फिर आपके द्वारा सबसे अपील करता हूँ कि ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है, हमें सबको मिलकर इसमें कार्य करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए रिग्रेसली सभी कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग पर काम कर रही है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि एज पार्ट ऑफ हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, हम सभी मामलों को आइडेंटिफाई कर सकें और उन पर प्रोटोकॉल के हिसाब से एक्शन ले सकें। इसी संदर्भ में मैं ये भी आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ केसेस ऐसे आए थे जहाँ पर कि लैंड ओनर्स या होम ओनर्स जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनको फोर्स कर रहे थे कि आप अपने उनको लोकेशन को वेकेट कीजिए। तो जैसे कल मैंने आपसे कहा था, तो उन सब से हमने कहा था कि आप उनको वेकेट ना करें, और इसी के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे संबंधित एक ऑर्डर भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट में इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस, ये सब एक्ट के तहत अगर इस टाइप की कोई उनकी नॉलेज में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस पर वो एक्शन लें। COVID-19 के रिस्पॉन्स के लिए एक साइंस और टेक्नोलॉजी का एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर नीति आयोग, और प्रोफेसर के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, वह कर रहे हैं। यह कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी साइंटिफिक एजेंसी, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संबंधित अधिकारी भी हैं, और इनका प्रयत्न होगा कि कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बड़े पैमाने में कैसे हम टेस्टिंग और सीरोलॉजी एसेज पर काम करें उस पर प्रयत्न कर रही है, किस तरीके से हम सर्वेलेंस और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ाएं ताकि हम वायरस को कंट्रोल कर सकें, उसके बारे में कुछ और हम नॉलेज पा सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं जो इससे लिंक्ड हैं, वो उनके साथ मिलकर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कर रही है, विच आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। एक टास्क फोर्स है जो ड्रग ट्रायल्स को ऊपर अफर्ट कर रही है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके, इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स ताकि वो डिजीज को समझ सकें, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काम कर सकें, उसके ऊपर प्रयत्न चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और फार्मा के साथ मिलकर और स्टेट्स के साथ कॉपरेट कोऑर्डिनेट करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, वेंटिलेटर्स और जो रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के साथ उनको सपोर्ट करके कैसे इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए उस पर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोरिया, टर्की और वियतनाम के सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई किया है ताकि हम अपनी अवेलेबिलिटी देश में इन लॉजिस्टिक्स आइटम्स की बढ़ा सकें। DRDO लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भी इसी तरीके से N95 मास्क और जो रिमेनिंग लॉजिस्टिक्स है उनको बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ANMs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ीज, आयुष के डॉक्टर्स जो हैं हमारे, और हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अपनी वेबसाइट पर COVID-19 को मैनेज करने से संबंधित, जैसे कि फील्ड सर्वेलेंस, सुपरविजन एंड लैब टेस्टिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट, आइसोलेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लिनिकल लोकेशंस, क्वारंटाइन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इनसे संबंधित रिसोर्सेज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। 30 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दो जो वेबिनार कंडक्ट किए गए थे, उसमें मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि उसमें करीब 15,000 नर्सेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग की गई, और इसे अब तक देश भर में 1,00,000 से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स ने यूज़ किया है, डाउनलोड किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके साथ ही क्रिटिकल केयर के ऊपर भी फिजिशियंस के अपने वेबिनार शेड्यूल के साथ लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रही है।
साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने इन सभी जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सर्विस माइंडसेट के लिए इनकी सराहना करते हुए इनके द्वारा जागरूकता फैलाने, सोशल डिस्टेंसिंग के इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बुनियादी आवश्यकता और एसेंशियल इश्यूज में कोई दिक्कत ना हो, उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की अपील की है और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी श्रृंखला में ग्लोबल कोविड 19 पेंडेमिक के रेस्पॉन्स पर डिस्कशन करते हुए दुनिया भर में जो भारत के सभी दूतावास हैं और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। इसके साथ ही क्योंकि कई जगह पर कई भ्रांतियां फैलती हैं, कहीं जगह पर कुछ टेक्निकल इश्यूज पर डाउट आते हैं, तो जैसे कि हमारी 1075 हेल्पलाइन के द्वारा हम लोगों को टेक्निकल गाइडेंस देते रहे हैं, इसके साथ ही अब हम एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिलते हुए एक स्पेशल टीम बनाते हुए किसी को भी अगर कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, ऑथेंटिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस हम नेक्स्ट 24 घंटे में शुरू करने वाले हैं, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर ईमेल पर अगर आपके कोई टेक्निकल डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उसके बारे में आपकी जो रिक्वायर्ड गाइडेंस होगी अगर इमीडिएट होगी तो इमीडिएट दी जाएगी, नहीं तो उसको टेक्निकली एग्जामिन करके ये गाइडेंस दी जाएगी। इसका पर्पज़ यह है कि इसके द्वारा ऑथेंटिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम सबको दे सकें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऑथेंटिक और जेन्यून टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होगी तो उसके कारण जो अननेसेसरी डाउट्स और जो पैनिक की सिचुएशन आती है वो नहीं होगी। साथ ही माननीय हेल्थ मंत्री हैं, उन्होंने भी कल एक सैम्पलिंग और टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पर एक रिव्यू मीटिंग की थी। उन्होंने इस संदर्भ में एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज देश में होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फर्दर टेक्निकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो टेस्टिंग किट्स की क्वालिटी है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, उसको इंश्योर किया जाए। साथ ही इंडिजिनस डेवलपमेंट पर भी, जो कि ऐसे चीपर हों, फास्ट हों और एक्यूरेट हों और उसके ऊपर भी काम हो, उसके लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साथ ही ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि नंबर ऑफ लैब्स अभी कम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में, वहां पर स्पेशल इंफेसिस दिया जाए ताकि हम हर जगह पर इंश्योर कर सके कि टाइम पर टेस्टिंग हो सके। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी जिसमें हेल्थ मंत्री साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सिविल एविएशन, शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सभी प्रेजेंट थे, जिन्होंने देश में चलती हुई सिचुएशन का पूरा एनालिसिस किया, जायजा लिया। उन्होंने इस सिचुएशन में ये भी कहा है कि हमें स्टेट्स के साथ मिलकर ये इंश्योर करना है कि जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी और लार्ज नंबर में बनाया जाए, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो हमारे माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके बारे में भी, अगर उनको हमने किसी टेम्परेरी शेल्टर में कहीं पर हमने उनको ऑर्गेनाइज किया है तो उनका मेडिकल चेकअप किया जाए, उनको रिक्वायर्ड साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए और इसके जो अगर नीड है तो नीड के हिसाब से हेल्थ प्रोफाइलिंग करते हुए उनको अगर किसी और फैसिलिटी मैनेजमेंट या होम क्वारंटाइन सजेस्ट किया जाए उसके लिए भी स्टेट के साथ हम चर्चा करके इसको ऑर्गेनाइज कराएं, उन्होंने आदेश दिए हैं। अंत में मैं आप सबसे फिर यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस कोविड 19 की लड़ाई में अपने एफर्ट्स को उसी कंटिन्यूड विगर, उसी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ करें ताकि हम जो ये बीमारी है, जो ये मजबूरी, जो दिक्कत हमारे सामने है उससे हम लड़ सकें और उससे विजयी हो सकें। धन्यवाद।